नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही खास खबर है, तो चलिए आपका समय ज्यादा न लेते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस समय के स्मार्टफोन्स को देखें तो आप उसमें देखेंगे कि जो नए स्मार्टफोन है उसमें सेल्फी कैमरा जो है डिस्प्ले के ऊपर की तरफ से निकलते हैं। और दोस्तों, इसका सबसे पहले वीवो अपने स्मार्टफोन में इसका इस्तेमाल किया, उसके बाद ओप्पो शाओमी ने भी इस कैमरे का इस्तेमाल अपने फोन में किया, लेकिन इस समय शाओमी ने अपना नया एक कैमरा का ही इन्वेंट कर लिया है जो कि इनविजिबल सेल्फी कैमरा इसको कह सकते हैं, जो कि आपके डिस्प्ले के ऊपर रहेगा लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप इसे सेल्फी लेने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये हल्का सा एकदम हल्का सा दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप इसको सेल्फी ले लेंगे ये तुरंत ही फिर से गायब हो जाएगा। और दोस्तों, शाओमी ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कि ये अपने दो फोन को कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि ये इनविजिबल कैमरा है और जिसमें कि डॉट नॉच डिस्प्ले में सेल्फी कैमरा है। दोनों का इसमें कंपेयर किया गया है, जिसमें कि अगर आप देखें कि इसमें आपको कैमरा लगभग लगभग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सेल्फी काफी अच्छी आ रही है। और कंपनी ने जो अभी तक दावा किया है जिससे जिस फोन में भी इसका इस कैमरे का इस्तेमाल होगा वो उसमें 20 मेगापिक्सल का कैमरे का इस्तेमाल होगा। जिस भी स्मार्टफोन में इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर उसके प्राइस की, तो उसकी प्राइस काफी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये पहला अभी तक ऐसा कोई कैमरा आया नहीं जो कि डिस्प्ले में इनविजिबल हो। और जैसे आप उसे तो ये इसमें प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, लेकिन दोस्तों अभी तक कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं आया है कि कब तक स्मार्टफोन में इसका यूज किया जाएगा और कब तक इसका यूज करके स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, जैसे लॉन्च किया जाने वाला तारीख अपडेट आएगा वैसे ही मैं अगला वीडियो में वो भी बता दूंगा। का ये नया कैमरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे खबरें आपके लिए सबसे पहले लाता रहता हूँ।